अगर आप भी खाना चाहते हैं रेडी टू ईट समोसा तो आप लोग देख सकते हैं, मैं आज जिन्हें नहीं पता है उनके लिए लेकर आई हूँ, और मेरे लिए भी न्यू था ये गाइस। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आयशा। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आ गई हूँ मैं आज एक और न्यू एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ में। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये मैंने स्टोर मेडिकल से मंगाई थी, इरफान से, क्योंकि अगर जल्दी अपने को भूख लगती है या कुछ खाने का मन करता है जो अपन बनाने में बहुत टटम्मा लगता है तो अपन इजीली लेके आ सकते हैं। ये रेडी टू ईट है, सिर्फ अपने को इसे गरम तेल में फ्राई करना है और इसको फिर हम आराम से खा सकते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं इसका कट बहुत अच्छा है और ये मिनी समोसा है गाइज। अब यहाँ पर मैं रख देती हूँ तेल गरम होने के लिए। जब तेल गरम हो जाएगा तब इसके अंदर मैं डाल दूँगी समोसा। और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइस। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे वैरायटीज़ मैंने खा चुकी हूँ, जैसे फ्रेंच फ्राई हो गए और स्माइलिंग जो होता है वो भी आलू का ही होता है, वो भी मैं खा चुकी हूँ। सो ये मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं अभी ट्राई करी हूँ समोसा, क्योंकि समोसा मैंने ट्राई नहीं की थी। सो समोसा भी ट्राई करके देखते हैं। और ये है पिज़्ज़ा समोसा, मीन्स समोसा तो ऊपर से है ये, लेकिन अंदर से जो इसका फ्लेवर होगा ना गाइस, वो होगा पिज़्ज़ा के जैसा। जो पिज़्ज़ा अपन खाते हैं वन बाइट तो अपने को लगता है ना हाँ ये पिज़्ज़ा है, वो स्वाद इसके अंदर है गाइस। सो अभी इसको मैं आगे पीछे अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, और नहीं भी अच्छी लगती हो तो भी कर दो, अच्छी लगेगी धीरे धीरे। सो अभी ये हमारा अच्छे से आगे पीछे करके हम इसको रेड कर लेंगे, हल्का ही रेड करना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। फिर उसके बाद में हम इसे अब निकाल लेते हैं प्लेट में। ऑलमोस्ट हमारा हो गया है ये। सो ये आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ एक एक करके। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और क्रंची रहता है गाइस, दिखने में भी एकदम छोटा सा मिनी समोसा कैसा होता है वैसा रहता है, और क्रंची तो बहुत ही ज़्यादा रहता है। ये आपको मैं दिखाती हूँ, अंदर मेयोनीज वगैरह सब बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर के साथ में भरे हुए इसके अंदर। सो गाइस, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।